इस हुजूम को लेके मेघराज सिंह जी रोयल के खिलाफ किसी ने जबान भी खोली है, वो हीरो है 11,000 करोड़ वो सरकार को राजस्व दे। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। सरपंच पी मारवाड़, हम लोग अजमेर कलेक्ट्री के सामने खड़े हैं, इस मोब को लेके, इस हुजूम को लेके, इस 36 कौम की जाजम को लेके हम यहाँ हैं। मेघराज सिंह जी रोयल के खिलाफ किसी ने जबान भी खोली है, वो हीरो है 11,000 करोड़ वो सरकार को राजस्व देता है और नियमानुसार टेंडर भरे गए हैं, उसमें उनका टेंडर छूटा है, विधिवत उनके ठेके चल रहे हैं, ठेके दारू के भी चल रहे हैं, ठेके मिट्टी के भी चल रहे हैं, ठेके पत्थर की भी चल रहे हैं, लेकिन उनका विरोध नहीं है। बजरी का विरोध क्यों? किस तरीके का विरोध किया गया और किस तरह के आरोप लगे? हम लोगों का विरोध ये है कि लोग, कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति अपने लोकतंत्रीय भाषा से बात करे, अपने लोकतंत्रीय भाषा से अपना अपना दर्ज कराए, अपना विरोध दर्ज कराए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप किसी के खिलाफ, मेरे सरकार आई तो हथकड़ी डाल दूंगा, मेरे सरकार, अरे सरकार तो तू वार्ड पंच कौन बने, सरकार तो की माँ के जान का जोगा आदमी जगह समाज का आज ना जोगा, हमने वोट दिए, मेरे जैसा एक जागरूक, जो जागरूक वकील, मैंने अपना वोट दिया है, वो वोट हूँ उस पवित्र जगह पहुँचाने से। आज मैं दुख पा रही। अच्छा, किसको ज्ञापन दिया है? ज्ञापन हमने कलेक्टर के थ्रू, एसपी साहब के थ्रू, माननीय मुख्यमंत्री भाई साहब अशोक जी गहलोत के पास भेजा है और हिंदुस्तान की सरकार मोदी जी के पास भेजा है और मेघराज सिंह, और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी। और मीडिया आप भी सावड़ दीजो, सच्चाई दीजो, मजबूत दीजो, जो बोला जो पुगाणू, हम विरोध न्याय संगत कर रहे हैं, हम कोई गलत किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन जो गलत बोलेगा किसी के खिलाफ उसका विरोध करेंगे। एडवोकेट गजेंद्र सिंह पी बोलो, और बोलो कुछ नहीं बोली आप तो। हाँ, एडवोकेट गजेंद्र सिंह पी एकत्रित होकर नागौर के सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, जो कि हल्ला बोल कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं व्यक्ति विशेष को लेकर और समाज विशेष को लेकर, उसके विरोध में सर समाज एकत्रित होकर आज राजस्थान सरकार से इस प्रकार का ज्ञापन दिया है कि सरकार इस ऐसी चीज़ों पर नकेल लगाए और सरकार ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कोई किसी प्रकार का निर्णय ले, अन्यथा ये समाज और ये सर समाज के लोग, इसमें जाट समाज के लोग हैं, इसमें भलाई समाज के लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कानून परस्त हैं, जो कानून में विश्वास रखते हैं, जो हर उस चीज़ में विश्वास रखते हैं जो तंत्र से चलती है। माफिया कहा जा रहा है मेघराज सिंह जी को, माफिया का मतलब होता है गैर कानूनी करने वाले व्यक्तियों का संगठित गिरोह, जबकि रॉयल्टी सरकार के रवाना देके, सरकार से टेंडर लेके, प्रक्रिया के अंदर पास होके 11,000 करोड़ रुपए का सरकार को रेवेन्यू देकर, अगर मेघराज सिंह जी बजरी के ठेके चला रहे हैं और अवैध, ये आपको पता है 2 साल पहले जब तक ये टेंडर नहीं हुए थे कितने पुलिस वाले मरे, कितने तहसीलदारों पे बजरी माफियाओं ने गाड़ी चलाई, माफिया तो वो लोग हैं, और उनके पेट में इस बात का दर्द हो रहा है कि अब उनके अवैध काम नहीं चल रहे हैं, अब उन्होंने सख्ती करी है, प्रशासन से मिलकर उन्होंने सख्ती करी है और संरक्षण देने वाले। मेरा एक निवेदन है कि जो इनको माफिया कह रहे हैं मेघराज सिंह जी को, वो अपने गिरेबान में झाँक के देखे, पिछले 5 साल के अंदर खीमसर में AVNL के 150 करोड़ रुपए का लॉस है, AVNL का 150 करोड़ रुपए का लॉस है, तो ये क्या, और वो क्यों है, राजनीतिक संरक्षण की वजह से। और खीमसर में MLA किसका है, RLP का, तो अपने गिरेबान में जाग के देखें कि किस प्रकार के राजस्थान के टैक्स पेयर का पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो तो फिर संवैधानिक पद पर हैं, सांसद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, मतलब मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया सर्व समाज की तरफ से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा ये समाज जो बड़ा रूप लेकर और बहुत बड़ा कोई आंदोलन छेड़ने के लिए सक्षम है।